अबोहर की नई आबादी से गायब हुए 13 साल के बच्चे अरमान संधु का 10 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। सिटी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अरमान का अपहरण करने वाले की तलाश की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। अरमान के घर पर संबंधियों और रिश्तेदारों का जमघट लगा है। परिवार की ओर से अरमान की तलाश की हर कोशिश की जा रही है। मंगलवार को हनुमानगढ़ रोड फ्लाईओवर पर जाम भी लगाया गया था। तंत्र मंत्र के सहारे अरमान का कोई सुराग लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। परिवार ने अरमान की तलाश में सहायता करने वाले को 2.5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। आइए अरमान के माता पिता की बात सुनते हैं। अपना बच्चा कल 17 तारीख 8 बजे तक गुम होया है। रात को अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं लगे जी कि बच्चा किधर है, कि कोई उनके बारे में कुछ नहीं पता लगे जी। बच्चे का धरना भी लगाया सी पर अभी तक उनकी कल सी, बाकी उनकी तभी जी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अज 8 दिन हो गए बच्चे गुम हुए, तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और फुटेज कैमरे देख रहे हैं जी, बार बार एक कैमरे को किन्ने बजे देख लिया और कर लिया, पर लेकिन अजे तक कोई फोटो भी इन्होंने आ गई ने सीसीटीवी फुटेज कैमरे च, तुंदे तुंदे फोटो भी आई ने अजीमगढ़ तो लैके कंधा रोड तक पता लगता पे, पर हजे तक उन्होंने लोकेशन ट्रेस ही नहीं हुई। कोई नहीं पता लग्या भी एक कौन बंदे से कौन नहीं, चेहरे भी आ रहे तुंदे तुंदे उन्होंने। शक तो सानू तो कहते सानू 5-7 बंदे दे नाम है जो असीं दसते सीगे, पर अजे तक कोई भी पता नहीं लगे कुछ। जिहड़ा भी साडा बच्चा लभ के देवेगा उहनूं 2.5 लाख रुपया इनाम देवांगे। जे भी किसी ने भी साडा बच्चा चक्या उह चुपचाप छड्ड जे, असीं उहदे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करांगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अरमान संधु के मामले में अगर आपको कुछ जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।